JK24 से जुड़ चुके आप और मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। एमएस स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो 20 तारीख को एक भव्य रैली जो है एमएस स्टेडियम में होने जा रही है, यानी कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 20 तारीख को एमएस स्टेडियम से संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को इस समय जो है वो टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान इस समय मौजूद है और अंदर निरीक्षण करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू पहुंच चुके हैं, एसएसपी विनोद कुमार और उसके साथ डीजीपी आरएस सुवेन भी इस समय जो है वो पूरी तरीके से निरीक्षण करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। देखिए किस प्रकार से समय कोई भी वाहन यानी कि जो अंदर जिस तरीके से बात आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति अंदर काम कर रहे हैं वो वाहन जो अंदर जा रहे हैं उन वाहनों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद उन्हें जो है वो अंदर इजाजत दी जा रही है जाने की। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर इस समय सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है और 20 तारीख को महारैली जहाँ पर एक जन सैलाब जो है वो उमड़ कर सामने आएगा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं हमें स्टेडियम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय की गई है। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए सीआरपीएफ के जवान समय तैनात है जहां पर एमएस स्टेडियम में 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और महाजन सैलाब जो है वो मड़कर सामने आएगा। और जिस तरीके से 1 लाख के करीब जो है वो टारगेट रखा गया है, भाजपा लगातार कोशिश कर रही है लोगों को जोड़ने की, एमएस स्टेडियम में लाने की। और देखिए 1 लाख के करीब जो है वो टारगेट रखा गया है और इस समय सुरक्षा व्यवस्था आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है जहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। ये देखिए तस्वीरें, बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए गए हैं और आम जनता की एंट्री बंद है, यानी कि जो व्यक्ति अंदर काम कर रहे हैं उन्हें ही अनुमति दी जा रही है। और देखिए किस प्रकार से यहां पर जो है वो चेकिंग की जा रही है, देखिए प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के बाद जो है वो उन्हें अंदर वाहनों को जो है वो अंदर परमिशन दी जा रही है जाने की। और इस समय बात करें जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इस समय देखने को मिल रही है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हमें स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। देखिए पूरी तरीके से जांच करने के बाद वाहन को अंदर दिया जा रहा है जाने। आपको बता दें कि एक ऐसी मशीन है यानी कि जो जो निचले वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से इस मिरर में आता है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, इस मिरर में पूरी तरीके से निचले वाला हिस्सा आता है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है वो पूरी तरीके से जो है वो मिरर में के थ्रू जो है वो दिखाई देता है। देखिए बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, तार यहाँ पर लगा दी गई है, पूरी तरीके से एमएस स्टेडियम को सील कर दिया गया और एक जन सैलाब जो है वो उमड़कर 20 तारीख को नजर आएगा जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, नींव रखेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके यानी कि 85 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका उद्घाटन किया जाएगा और लगभग 209 प्रोजेक्ट ऐसे हैं यानी कि जिनका उद्घाटन और नींव जो है वो रखी जाएगी। फिलहाल तस्वीरें आप एमएस स्टेडियम की देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ 20 तारीख की बात करें तो 20 तारीख को जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक जन सैलाब उमड़ कर जो है वो सामने आएगा जहां पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। उधमपुर जिला की बात करें, कठुआ जिला की बात करें, सांबा की बात करें तो हर कार्यकर्ता जो वहां पर कार्यरत है वो पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को यानी कि लोगों को यहां पर लाने के लिए। और देखिए इस समय किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा इस समय जो है वो टाइट नजर आ रही है। ये तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, हमें स्टेडियम की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि 20 तारीख को रैली होने वाली है, एम्स का उद्घाटन वो करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएम जम्मू प्रोजेक्ट का उद्घाटन वो करने वाले हैं। लगभग 209 प्रोजेक्ट है जिसमें से 124 प्रोजेक्ट का नींव रखा जाएगा, 85 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका उद्घाटन होगा और इसकी लागत की मैं अगर बात करूं तो 3161 करोड़ की ये लागत है यानी कि ये प्रोजेक्ट्स हैं। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स का जो है यानी कि उद्घाटन किया जाएगा। और आपको बता दें कि रेलवे ब्रिज की बात करें यानी कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज की बात करें जो कि आईफेल टावर से भी बड़ा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, उसका उद्घाटन भी हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी। देखिए किस प्रकार से समय सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो कड़ा कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, एलजी मनोज सिन्हा एमएस स्टेडियम में मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू इस समय एमएस स्टेडियम में मौजूद है और पूरी तरीके से जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है, अरेंजमेंट्स देखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। सीआरटी के जवानों की बात करें तो सीआरटी के जवान हालांकि अभी इस समय नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाम के समय जो है वो सीआरटी के जवान भी यहां पर जो है वो तैनात होते हैं। सीआरपीएफ के जवान आप देखिए, सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात है, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है।
सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त आप देखिए किस प्रकार से कड़ा कर दिया गया है, यानी कि एमएस स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। बैरिगेट्स आप देखिए, बैरिगेट्स यहाँ पर लगा दी गई है। तारे आप देखिए, तारे यहाँ पर लगा दी गई है, यानी कि जो भी वाहन अंदर जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो रही है और चेकिंग होने के बाद जो है वो अंदर उन्हें अनुमति दी जा रही है जाने के लिए। कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, बात करें कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है वो कई सारे फ्लैट्स जो है वो दिए जाएंगे, यानी कि उनकी नींव जो है वो रखी जाएगी। उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू के एमएस स्टेडियम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है। तस्वीरें साफ तौर पर जम्मू से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 20 तारीख को आएंगे और 20 तारीख को एमएस स्टेडियम से संबोधित करेंगे। जन सैलाब उमड़ कर जो है वो सामने आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इस समय देखने को मिल रहा है एमएस स्टेडियम में, जहां पर एमएस स्टेडियम को पूरी तरीके से जो है वो सील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख को संबोधित करेंगे, एमएस स्टेडियम से संबोधित करेंगे, जहां पर एक जन सैलाब उमड़ कर जो है वो सामने आएगा। बताया जा रहा है कि देखिये साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से तस्वीर आप देख सकते हैं, होल्डिंग भी यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। देखिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यहाँ पर होल्डिंग भी लगाई गई है और देखिए लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम इस समय जो है वो एमएस स्टेडियम में देखने को मिल रहा है और निरीक्षण करने के लिए समय एलजी मनोज सिन्हा एमएस स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। अरेंजमेंट्स देखी जा रही है पूरी तरीके से, किस प्रकार से ये रैली रहने वाली है, उसका अरेंजमेंट क्या कुछ रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ रहेगी, पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए, निरीक्षण के लिए समय जो है एलजी मनोज सिन्हा एमएस स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।